स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारी साइंस का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं। साइंस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइंस के अंदर हमारे पास में यहाँ पे तीन ब्रांचें हैं। फर्स्ट ब्रांच है जो हमारे पास में है वो है फिजिक्स, जिसको आप हिंदी में आप इसको भौतिक विज्ञान बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप इसको? भौतिक विज्ञान बोल सकते हो। और सेकंड जो इसकी ब्रांच है उसको आप बोलोगे केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर बात करोगे आप तो इसको आप बोलोगे जैसे रासायनिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ओके। तो जो तीसरी ब्रांच है हमारे पास में वो है हमारे पास में बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर आप स्टडी करोगे वो है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ओके। तो हम सबसे पहली जो ब्रांच स्टार्ट करते हैं साइंस की वो है फिजिक्स। क्या बोलो? फिजिक्स। तो फिजिक्स भाषा को हम समझते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो फिजिक्स यानी कि एक भौतिक विज्ञान। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, ये क्या है। ये एक साइंस की ऐसी एक शाखा है जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे नेचर, प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले परिघटनाओं के बारे में, यानी कि नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचर एंड सम नेचुरल फिनोमिना, फिनोमिना मतलब कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रकृति के बारे में और प्राकृतिक जो हमारे पास कुछ घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं जो हमारे सराउंडिंग हो रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिजिक्स के अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा स्टार्ट करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो विद्युत धारा हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पहुंचे जाते हैं, जो आप ये हमारे लेक्चर्स इस चैनल से अगर आप देखोगे तो उसके बाद हम आसानी से उसको सोल्व करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को समझने से पहले एक दो इसका बेसिक कंसेप्ट होता है हमारे पास में, वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आवेश, जिसका नाम है आवेश। इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको चार्ज बोलोगे आप इंग्लिश में। क्या बोलोगे? चार्ज। और हमेशा ही हम इसको शॉर्ट फॉर्म में चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। वो चाहे आपसे कैपिटल क्यू हो या फिर आपका स्मॉल क्यू हो, उससे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम दर्शाएंगे, क्लियर। तो हम सबसे पहले जो मेन चीज हमारे पास में है करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों की, वो है आवेश। तो सबसे पहले जरूरी है हमें आवेश को पढ़ना। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी जो आवेश जो होता है उसकी इकाई क्या है। हम सारा एक एक क्वेश्चन को डेवलप करेंगे धीरे धीरे करके, हमारा लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले आवेश को देखते हैं। आवेश को पढ़ने से पहले आप एक चीज का पता होना चाहिए, उसका नाम है परमाणु। वैसे हम इसको केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। तो परमाणु की सबसे पहले परमाणु के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक परमाणु, एक सिंपल सी बात लेता हूं, परमाणु जो होता है हमारे पास में, परमाणु को बनाने वाले तीन कण होते हैं, तीन पार्टिकल होते हैं आपके पास में। पहला जो पार्टिकल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ओके। दूसरा जो पार्टिकल जो होता है, जो कण होता है, वो हमारे पास में होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन। तीसरा जो पार्टिकल होता है, कण जो होता है हमारे पास में, वो होता है न्यूट्रॉन, वो होता है न्यूट्रॉन। तो मैं बता देता हूं सबसे पहले, हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के अंदर जो हमारा एक कण होता है न्यूट्रॉन, उसका कोई रोल नहीं है। तो जो मेन रोल है हमारे पास में है वो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन से खोज काफी समय पहले हुई थी, तो प्रोटॉन का पहले काफी रोल होता था, अब इसका भी रोल खत्म हो चुका है। सबसे जो मेन रोल है हमारे पास में विद्युत धारा के अंदर वो होगा इलेक्ट्रॉन का। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। और एक बात और बता देते हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको साइंस फंडामेंटल कण मानती है, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं इसको, क्योंकि साइंस यहीं से लेट करके चलती है कि हमारे पास में छोटे से छोटे कण वही यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिनसे सारी दुनिया का फॉर्मेशन हुआ है, सारी दुनिया बनी हुई है। तो सबसे हम न्यू मान के चलते हैं, यहीं से चीज लेट करके चलते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन है, क्या प्रोटॉन, क्या न्यूट्रॉन, हमने उन चीजों को माना हुआ है। तो बात करते हैं हम अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। सबसे पहले बात करता हूं मैं इलेक्ट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ई से लिखा जाएगा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को कई बुक्स में आप देखोगे पी से भी लिखा मिलेगा और कई बुक्स में ई से ही लिखा मिल जाता है। तो मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को ई से लिखा गया तो क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव आवेश होता है, धन आवेश होता है, इसलिए इसको ई प्लस से और इसको ई माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे आवेश की, किसकी बात कर रहे थे, आवेश की। तो अगर कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु के अंदर, ये बात आपको नोट होनी चाहिए, आप चाहो तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हो कि भाई किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मींस किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर आप कहोगे किसी भी एक परमाणु में, जैसे हम बात करते हैं कोई भी परमाणु ले देते हैं, परमाणु ले लिया मैंने, जैसे कार्बन, क्या ले लिया, कार्बन ले लिया। अगर बात करते हैं कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है छः, कितनी होती है छः, सिक्स। तो बात करते हैं सिक्स होती है, तो इसके अंदर परमाणु संख्या छः है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर हैं वो सिक्स हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास में कितने होंगे, सिक्स होंगे। तो हम समझ सकते हैं कि परमाणु जो संख्या होती है, आप जब स्टार्ट करोगे केमिस्ट्री में, सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द परमाणु संख्या, कि हमारे पास में परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो परमाणु संख्या कार्बन की छह होने से हमें पता लगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छह हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन छह हैं। अभी हम इसको ऐसा याद कर लेते हैं कि परमाणु संख्या आपको क्या दर्शाती है, इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या। तो किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। मतलब क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ऋण आवेश है उतना ही पॉजिटिव यानी कि धन आवेश होता है। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि ऋण आवेश और धन आवेश मिलते हैं तो जो कुल आवेश होता है, नेट जो चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो मैं इसलिए बोल सकता हूं कि आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, कई बार हमारे पास में पूछा गया भी क्वेश्चन है पहले, कि जो आपका जो परमाणु होता है, परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको हम बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब होता है कि इसके पास कोई आवेश नाम की चीज नहीं होती है। ओके, इसके पास कोई आवेश नाम की चीज नहीं होती है। न्यूट्रल का मतलब इसके पास जो आवेश होता है कुल, वो होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। तो एक बात हम स्टार्ट कर रहे थे यहां से आवेश के बारे में। तो दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन कण मिलके परमाणु बनाता है, और परमाणु मिलके ही पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, पूरा पदार्थ बनाते हैं, पूरा सब्सटेंस को बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में बोल सकते हैं कि एक परमाणु ही न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है, तो हमारी दुनिया के पास भी स्टार्ट में कोई आवेश नाम की चीज नहीं थी, और न ही हम आवेश पैदा कर सकते हैं, और आज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, हम आप कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही है, आवेश तो है हमारे पास में, तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि आवेश अभी भी जीरो ही है हमारे पास में, पूरे ब्रह्मांड का आवेश अभी भी जीरो है। तो ये मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ आवेश। अब बात करते हैं कि आवेश को हम पैदा कर सकते हैं, वो कैसे पैदा कर सकते हैं, भाई आवेश को कैसे पैदा कर सकते हैं। आप सिंपल से सिंपल डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है, जिससे हमें इसका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो बात करते हैं अब आवेश की। अच्छा, एक बात याद रखना, यहां पर आपके पास में कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी अगर वस्तु है, जैसे कोई भी वस्तु मैंने मान ली ए, कोई भी वस्तु मान ली ए, भाई सीधी सी बात है परमाणुओं से मिलकर बनी, और परमाणु के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये जो बॉडी है, जो वस्तु है, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, लॉस का मतलब त्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करती है ये बॉडी, ये वस्तु त्याग करती है, तो इस वस्तु के पास धन आवेश आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, धन आवेश। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो प्रोटॉनों की संख्या ही ज्यादा रहेगी ना इसके अंदर। अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो प्रोटॉन के पास तो धन आवेश होता है, तो क्लियर सी बात है इसके पास धन आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेंगे तो इस वस्तु के पास आएगा, वो आएगा धन आवेश। धन मतलब पॉजिटिव,
पॉजिटिव को हम इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इस बॉडी के पास, इस वस्तु के पास धन आवेश आएगा। अगर मान लेते हैं कोई दूसरी वस्तु हमारे पास है और वो वस्तु है बी, अगर ये वस्तु खुद इलेक्ट्रॉन को ले रही है कहीं से, मान लो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, गेन कर रही है, तो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, गेन किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, प्राप्त किया है। अगर इलेक्ट्रॉन को आप प्राप्त करोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा आ गई, यहां पे ऋण आवेश ज्यादा आ गया, तो इस वस्तु के पास कुल मिला के मैं बोलूंगा कि ऋण आवेश आ चुका है। अगर कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो याद रखना आप धन आवेश और प्राप्त करती हैं, तो उसके पास हमेशा ऋण आवेश आएगा। कैसे आएगा, ऋण आवेश। तो हमें एक बात का तो पता चल चुका है कि भाई किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को अगर दे रही है, किसी का लॉस कर रही है, मतलब त्याग कर रही है कोई भी वस्तु, तो उसके पास क्लियरिटी से पता चल चुका है कि धन आवेश आएगा। अगर कोई भी वस्तु है और वो वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, प्राप्त कर रही है, तो हमें क्लियरिटी से पता होना चाहिए कि उसके पास कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए इस चीज की। ओके, तो अब आपको एक बात पता चल चुकी है, आवेश क्या होता है। आवेश की जो डेफिनेशन अगर मैं यहां पे देखूं, आवेश को क्यू से लिखा जाएगा, इसको हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। अगर इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, त्याग किया, तो इसके पास सीधी सी बात इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। क्या आ गई, कमी आ गई, और कमी को हम यहां पे बोल सकते हैं दैट इज डेफिशिएंसी। क्या बोलोगे आप, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। ओके, उसके बाद में या फिर बोल सकते हैं कि इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो चुके हैं, एक्सेस। क्या हो गए, एक्सेस। एक्सेस का मतलब इलेक्ट्रॉन, एक्सेस होना मतलब ज्यादा होना, ठीक। डेफिशिएंसी या एक्सेस किसका बोलो, ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कभी हो रही है, तभी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आवेश। यही शॉर्ट फॉर्म एक डेफिनेशन होती है आवेश की। ओके, क्लियर है ना, चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिशिएंसी बनाओ आप या फिर ज्यादा कर दो चार्ज आवेश इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी के पास, वस्तु के पास, तो दोनों ही केस में आवेश जनरेट होगा। वो अलग बात है कि डेफिशिएंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस के पॉजिटिव, यानी कि धनावेश पर जनरेट होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, तो क्लियरिटी सी बात है उसके पास में ऋणावेश होगा। कैसा होगा, ऋणावेश होगा। तो हमें यहां से एक बात का पता चल चुका है कि आवेश जो होता है वो दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है धन आवेश, धनावेश, धन प्लस आवेश, दैट इज धनावेश, ठीक है, हम संधि के अंदर भी पढ़ चुके हैं इसको। नंबर दो बात होता है ऋण आवेश, ऋण प्लस आवेश, दैट इज ऋणावेश। क्या बोलोगे आप इसको, ऋणावेश। ऋणावेश मतलब नेगेटिव, धनावेश मतलब पॉजिटिव। ओके, तो आवेश दो तरीके का, धनावेश और ऋण। और आपको क्लियरिटी से पता भी होना चाहिए भाई कि धनावेश कब मिलेगा आपको, जब इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हो, आप लॉस कर रहे हो, त्याग कर रहे हो। और ऋणावेश कब मिलेगा आपको, जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो, आप गेन कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। यहां तक बोलो क्लियर है कि नहीं। तो यहां तक हमने अभी अभी सीखा है कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, ये आवेश क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। अब हमारे पास में जैसे एक जनरली कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं कि आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है, आवेश अगर होता है तो ये क्या चीज होती है, क्या हमें दिखाई देता है ना। आज तक आवेश को किसी ने ना तो देखा है और ना ही भविष्य में इसको कोई देख पाएगा। आवेश चार्ज एक्चुअली में एक गुण होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं डायरेक्ट अगर क्लास में आता हूं, तो मान लो फर्स्ट टाइम कोई बच्चा है, वो देख के ये थोड़ी बता सकता है कि सर फिजिक्स करवाएंगे, साइंस करवाएंगे, केमिस्ट्री करवाएंगे, बायोलॉजी करवाएंगे, मैथ करवाएंगे, कुछ नहीं पता लग सकता उसके बारे में। तो कहने का मतलब वो मेरा टैलेंट, मतलब मेरे गुण के बारे में थोड़ी जानते हैं। तो हम किसी भी वस्तु के पास अगर कोई आवेश है, तो हम ये देख के पता थोड़ी लगा सकते हैं कि इस बॉडी के पास, इस वस्तु के पास आवेश होगा, भाई नहीं होगा, है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अगर आपको जानना है कि इसके पास आवेश है या नहीं है, तो उसके कई हमारे पास और तरीके मैं आपको बताऊंगा यहां पे, ठीक है। तो आवेश एक्चुअली में एक गुण ही होता है जो किसी भी वस्तु के अंदर पैदा किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं, तो आवेश को पैदा करने का, जैसे ये देखिए, ये मैंने यहां पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लिया है, ये कागज का टुकड़ा है, और इस वस्तु को मैंने सिल्क कपड़े के साथ बार बार रब किया,
ठीक है। हालांकि मेरा कपड़ा जो है वो प्योर सिल्क नहीं है, आप चाहो तो इसको ड्राई हेयर के साथ रब कर सकते हो, हमारे जो सूखे बाल उसके साथ रब कर सकते हो, यानी कि किसी भी दो वस्तु को जो हम रगड़ते हैं, क्या करते हैं रगड़ते हैं, तो ये जो मार्कर है मेरा जिसको मैं रब कर रहा हूं या जो मेरी शर्ट है, ये दोनों ही आपके पास में बोल सकते हो वस्तु है, सब्सटेंस है, मैटर है, एक पदार्थ है, तो इन सब के पास में परमाणु होंगे, परमाणु से मिलके बने हैं और हर एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इनको रगड़ने से एक हीट पैदा होती है, एक ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन करते क्या है कि एक वस्तु से दूसरी बॉडी के ऊपर जंप कर जाते हैं। जंप करने का मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो धनावेश बन गया और जिसके ऊपर चले गए ऋणावेश बन गया। सीधी सी बात है, सिंपल सी, जैसे अगर मैं इसको देखता हूं तो इसके पास कोई आवेश नहीं है। अब ये बॉडी देखो आप इसको क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, इसको आकर्षित इसने किया है और कुछ टाइम के बाद ये नीचे भी गिर जाएगी। व्हाट इज द कॉज, ये सारा कारण है आवेश का, ये गुण का। क्या पहले भी इसके आप ये मार्कर पहले भी ऐसा था और अभी भी इसके पास आवेश पैदा किया तो भी ऐसा ही था? देख के नहीं पता जा सकता कि आवेश क्या चीज होती है, कैसा होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ठीक है, उसको हम समझते हैं। ध्यान से देखो, आवेश एक गुण ही होता है जो दो तरीके का होता है, ओके। अब बात करते हैं हम इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, आवेश के जो गुण होते हैं उनके बारे में देखते हैं। गुण, जब सबसे पहला अगर गुण देखा जाए तो सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि दो टाइप के आवेश, धन और ऋण। अगर आपके पास में एक धन आवेश है, धन आवेश मतलब धनात्मक, और दूसरा भी धन आवेश है, तो हम साइंस बोलती है कि एक जैसे आवेश है, एक जैसे आवेश है, तो मैं इन दोनों आवेश को बोल सकता हूं लाइक एक समान आवेश। क्या बोल सकते हैं, एक समान आवेश है। ये ऋण आवेश, ये भी ऋण आवेश, इनका जो जोड़ा है इनको भी मैं बोल सकता हूं ये भी असमान आवेश है। कैसे हैं, असमान आवेश भाई, ये भी सॉरी एक समान आवेश। क्या बोलोगे इसको भी, एक समान, क्योंकि ये भी धन, ये भी धन एक समान, ये भी ऋण, ये भी ऋण, ये भी एक समान है। और दो अगर आवेश आपके पास में है, और दुनिया में अकेला एक वायस का, अकेला एक आवेश जो होता है उसका कोई मेन रोल नहीं होता है। हमारे पास में अगर पैदा भी कर रहे हो आप तो आवेश धन पैदा कर रहे हो तो ऋण आवेश ऑटोमेटिक पैदा होगा, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है। अगर दो एक जैसे आवेश हैं, ये भी एक जैसे हैं, तो इनको लाइक चार्ज या एक समान आवेश बोला जाएगा, एक समान आवेश इनको बोल सकते हो आप, क्लियर है ना, ओके। अगर आपके पास में एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो ये एक जैसे न हो के अलग अलग टाइप के हैं, इनको बोलोगे आप असमान आवेश, असमान आवेश इनको हम बोल सकते हैं, ओके। और दुनिया का या एक चार्ज का एक गुण होता है कि एक समान आवेश के बीच में हमेशा ही दुश्मनी रहती है, दुश्मनी मतलब कोई भाईचारा नहीं होता है, और असमान आवेश के बीच में एक भाईचारा होता है, इन दोनों के बीच में एक प्रेम होता है, आपस का भाईचारा होता है। इनका मतलब समझते हैं, दुश्मनी मतलब कभी भी धन आवेश के पास नहीं आएगा और कभी भी ऋण आवेश के पास नहीं आएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे बोलो, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। मान लो ये धनावेश, ये धनावेश, इनको पास लेके आओगे कभी आएंगे नहीं, दूर भागेंगे ऐसे। अगर ये ऋण आवेश और ये धनावेश भाग के आएंगे, भाईचारा अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो कभी भी दो एक समान आवेश आपस में आकर्षित नहीं करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, हमेशा रिपेल करेंगे, और असमान आवेश होता है हमेशा अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, उनके बीच एक भाईचारा होता है और इनके बीच में हमेशा एक दुश्मनी होगी, ये कभी भी पास में नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास में एक आवेश की प्रॉपर्टी होती है जो हमें पता होनी चाहिए, क्लियर। अब एक बात और है, ये हमारा पहला गुण हो गया। दूसरा गुण ये है हमारे पास में कि जो आवेश होता है उस आवेश की एक इकाई होती है, आवेश का मात्रक होता है, वो मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक। एक बात ध्यान से सुनो, इसका मात्रक मैं बताता हूं आपको, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो वीडियो हमारी जरूर देखना इस चैनल पे, मेजरमेंट, माप, ठीक है, उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा कि एक सिस्टम होता है मात्रक का, एक सिस्टम होता है मापने का। अच्छा, हमारी साइंस में एक चीज होती है मापना, कोई भी वो चीज, कोई भी एक ऐसी राशि जिसको माप सकते हो आप, किसी भी चीज को माप सकते हो, तो साइंस उसको एक नाम देती है, उसका नाम बोलते हैं राशि। क्या बोलोगे आप, राशि बोलते हैं। राशि दो तरीके की आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके। तो हम बात करते हैं आवेश का मात्रक,
भाई क्या आवेश एक राशि होती है? यस, आवेश एक राशि होती, क्योंकि हम आवेश को माप सकते हैं, मापे भी गए। पहली बात तो यही याद रखनी है, आपको पता भी होना चाहिए कि आवेश खुद एक राशि होती है, और राशि होती है आवेश खुद, आपको भाई ये पता होनी चाहिए जरूर। राशि को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्वांटिटी, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप इसको? क्वांटिटी। तो खुद आवेश एक क्वांटिटी होता है। अब इसका मात्रक बोलते हैं, कई बार पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या, बताओ किस चीज में मापते हैं? तो सबसे पहला मैं मापता हूं SI। भाई SI का मतलब होता है इंटरनेशनल, आई मतलब इंटरनेशनल, एस मतलब सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो आवेश का मात्रक होगा वो होगा कूलम्ब। क्या होगा? कूलम्ब, कूलम्ब, क्लियर है ना? इसको कूलम्ब मापेंगे, और इसको हमेशा ही कैपिटल सी से लिखा जाता है, कैपिटल सी से दर्शाया जाता है। तो याद होनी चाहिए आपको आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम्ब। कूलम्ब एक वैज्ञानिक का नाम है, जिसने इसके ऊपर काम किया था, उसी के नाम पे ये इसकी इकाई रखी गई है। अब बात करते हैं हम CGS सिस्टम। ओके, CGS का मतलब क्या होता है? हमारे पास में तीन फंडामेंटल चीजें होती हैं, क्वांटिटी होती हैं, जिसने साइंस ने माना था। एक होती है मास, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, हम मेजरमेंट पढ़ाएंगे। एक चीज होती है उसको बोलते हैं लेंथ। ओके, एक लेंथ होती है एक्चुअली में, एक होता है हमारे पास में मास। ओके, एक होता है टाइम। आप टाइम तो हिंदी में समय बोलते हैं ना, और मास को बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान, और लेंथ को बोला जाता है लंबाई। आप इन दो चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानकार होगे पहले से ही। द्रव्यमान क्या होता है हम आपको मेजरमेंट में पढ़ाएंगे, इसलिए हमारी हर एक वीडियोस को आप देखो, ठीक है? और द्रव्यमान के बारे में आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो लेंथ जो होती है उसकी जो इकाई होती है वो होती है मीटर, और मास होता है उसको किलोग्राम, और समय को हमेशा सेकंड में मापते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, हर एक देश में अलग अलग चीजें, जैसे हमारे पास में पहले अगर बात करते हैं लंबाई को, हमारे देश में ही ऐसे मापा जाता था कि कोई कपड़ा लेने जाता था तो बोलता था कि हमें ये कपड़ा दे दो सफेद वाला, एक हाथ कपड़ा दे दो, भाई दो हाथ कपड़ा दे दो, तो हाथ के हिसाब से मापते थे। बट एक दिक्कत होती थी, ठीक है, कई के हाथ छोटे छोटे होते हैं, कईयों के लंबे लंबे होते हैं, ठीक है? तो ये जो मेजरमेंट के अंदर एरर था, उस एरर को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने पूरे इंटरनेशनल में एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर मास द्रव्यमान को किलोग्राम में नहीं माप के ग्राम में मापते हैं। और मान लो हम अमेरिका में चले गए तो मैं बोला मेरे को टू केजी नहीं बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे टू घी दे दो भाई, टू घी, तो समझ जाएंगे घी, तो घी की तो भाई इकाई हमारे पास ग्राम है, तो ये तो 2 ग्राम घी मांग रहा है, और हमने तो 1000 रुपीज निकाल के दे दिए, तो वो मतलब नहीं समझे। उनकी जो यूनिट वो अलग होती है, हमारी अलग होती है। तो जैसे हमारे पास अगर वो आगे वो बोलेंगे 2 दे दो भाई मेरे को घी, तो हम तो 2 केजी दे देंगे, वो मांग कितना रहे थे 2 ग्राम। तो इस तरीके से एक डिस्टर्बेंस था, एक एरर था सभी देशों के बीच में। तो एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई, जिन्होंने फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, इसको हम MKS सिस्टम बोलते हैं। आपको मैं मेजरमेंट में सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो यहां पर एक चीज बता रहे हैं आपके पास में CGS, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, और मास जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में नहीं माप के ग्राम में मापा जाता है, और टाइम को सेकंड में मापते हैं, उसको बोलते हैं CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम के अंदर जो आवेश की इकाई होती है वो होती है स्टेट कूलम्ब। क्या होती है भाई? स्टेट कूलम्ब, ठीक है, स्टेट कूलम्ब होती है, क्लियर? इसको हिंदी में भी स्टेट कूलम्ब के नाम से ही जाना जाएगा। तो ये मात्रक होता है जो हमारे पास में एक डिस्टरबेंस हो, मान लो आपके SI सिस्टम पूछे तो कूलम्ब लिखोगे आप, CGS के अंदर पूछा जाए तो स्टेट कूलम्ब पूछोगे आप, क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आगे लिए प्रॉपर्टी पर से हैं। दो प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस कर चुके हैं, जो नेक्स्ट इसका जो गुण है, जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है देखो आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे पास में उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व्ड। थर्ड प्रॉपर्टी उसको हम कंजर्व्ड ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्व्ड होना। ओके,
कंजर्व का मतलब एक्चुअली में दूसरा मतलब समझते हैं तो वो होता है कॉन्स्टेंट। क्या होता है? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को हिंदी में आप सुनो तो स्थिरांक इसको बोला जाता है। ओके, स्थिरांक होता है, मतलब मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो आवेश का जो कंजर्व्ड है, स्थिरांक है, मतलब कहने का दुनिया में आवेश हमेशा स्थिरांक रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसको हम ना तो पैदा करेंगे, भाई आवेश को आप पैदा कर सकते हो नो, आप इसको खत्म कर सकते हो नो, इसको हम ना खत्म कर सकते हो ना पैदा करेंगे। अब बोलोगे हमने तो आवेश पैदा किया था थोड़ी देर पहले। हाँ, अगर आप पैदा कर रहे हो आवेश को तो जितना धन आवेश पैदा होगा उतना ही ऋण आवेश पैदा होगा, मिलके दोनों वापस से कैंसिल होके कितना हो जाएगा? जीरो, शून्य हो जाएगा आवेश। इसलिए बोला जाता है कभी भी आवेश जो होता है वो हमेशा स्थिरांक होता है। दुनिया का आवेश अभी भी क्या है? स्थिरांक ही है, कॉन्स्टेंट है। अगली हम डेफिनेशन पे आते हैं और ये एक अच्छी डेफिनेशन हमारे पास में है इसकी, आवेश की एक अच्छा प्रॉपर्टी, एक अच्छी गुण है हमारे पास में इसका, अच्छी करेक्टरिस्टिक्स होती है इसके पास की। वो यदि मैं आपको ज्यादा गहराई में नहीं ले जाते हुए डायरेक्ट आपको बता देता हूं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये बताया था, अगर कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, किसका बोलो? इलेक्ट्रॉन का त्याग अगर कर रही है तो इसके पास धन आवेश आया था, हमने पढ़ा था। अगर कोई भी वस्तु, मान लो बी वस्तु, अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, गेन कर रही है, तो आप समझ जाना इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, नेगेटिविटी ले रहे हैं अपने अंदर, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव ऋण आवेश आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ आप ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या दे सकते हो, तो वो हमारे पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को लिया जा सकता है या त्यागा जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा तो आप कितने भी ले सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उसको कितनी आप ऊर्जा दे रहे हो निकालने के लिए बात। ओके, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, अगर आपने मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन भाई त्याग कर दिया इसने, तो इस वस्तु के पास धन आवेश आएगा, और धन आवेश को किससे लिखा जाता है? क्यू से। तो इसके पास धन आवेश आएगा, वो आएगा प्लस, क्योंकि त्याग किया ना पॉजिटिव, कितना आएगा? 1e। कितना आएगा? 1e। अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, त्याग किया है, तो इसके पास आवेश आएगा प्लस 2e। तीन का किया है तो प्लस 3e। तो कुल मिलाके मान लो आपने n इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस कर दिए तो आपके पास प्लस ne आवेश आएगा। तो ये n क्या है? n एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक आप मैथ में जानते हो, पूर्णांक होती है एक पूर्ण संख्या जिसकी वैल्यू होती है, जैसे एक्स एक्सिस में मान लो आप 0, 1, 2, 3, 4 up to 7, -1, -2, -3 up to 7, ये सारी पूर्णांक संख्या होती है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ, अगर आप ग्रहण कर रहे इलेक्ट्रॉन को तो आवेश जो पैदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो माइनस नेगेटिव ई, मतलब ऋणात्मक आवेश चार्ज पैदा होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो माइनस 2e, अगर तीन इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं तो माइनस 3e, अगर आप n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो माइनस का ne आवेश होगा। तो हम बता देते हैं आपको कि आवेश इसलिए जाना जाता है कि या तो प्लस ne टाइप का होता है आवेश, यहां पर लिख देता हूं मैं, या तो जो आपके पास आवेश होगा वो प्लस ne टाइप का होगा या फिर माइनस एन ई टाइप का होगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। एन एक पूर्णांक संख्या होती है। आप प्लस का साइन कब लोगे? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हो। माइनस साइन कब लोगे? जब इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण कर रहे हैं। और ई होता है हमारे पास में दुनिया का सबसे छोटा आवेश, और जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। कई बार पूछी जाती है भाई दुनिया का सबसे छोटा आवेश जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद होनी चाहिए दैट इज 1.6 1.6 गुना में 10^-19 10^-19 यूनिट में आपको पढ़ा चुका हूं इसका मात्रक, वो था कूलम, और मैंने बोला था इसको कैपिटल सी से लिखा जाएगा। तो यूनिट जो होगी हमारे पास में कूलम होती है, और वैल्यू जो होती है 1.6 × 10^-19 कूलम। इससे छोटा चार्ज दुनिया में नहीं होगा, इससे बड़ा चार्ज आप कितना भी जनरेट कर सकते हो। क्लियर है ना? तो जैसे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, छोटे छोटे अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछता हूं, अगर मैं इतना कंसेप्ट पढ़ा तो कुछ क्वेश्चन हम डेवलप करते हैं यहाँ पे। जैसे देखो आप, अगर मैंने पहला क्वेश्चन आपसे ये राइज किया कि भाई पहला क्वेश्चन ये आपसे मैं लेता हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल कि क्यों मतलब आवेश, अगर मैंने किसी भी वस्तु के पास आवेश पैदा कर दिया भाई, वो कर दिया 20 20 गुणा में 10^-20 कूलम,
ओके, तो पहले तो सबसे पहले ये बात बताओ, क्या ये बात सही है, फॉल्स, गलत है या सही है? ये आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या ये बात सही है। मैं बोलूँगा किसी वस्तु के पास मैंने ऐसे आवेश पैदा कर दिया, प्लस कर दो या माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आप ये आवेश जनरेट कर सकते हो? ठीक, तो नो, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि दुनिया का जो सबसे छोटा आवेश है वो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इससे छोटा आवेश हमारे पास नहीं हो सकता है। सो हमने जो आवेश पैदा किया है, जनरेट किया है, वो कह रहे हैं आपकी 20 × 10⁻¹⁰ ओके। अबे ये माइनस जो पावर है, जितनी ज्यादा होगी हमारी वैल्यू उतनी ही कम होगी। सो हम बोलेंगे कि माइनस 20 ये तो इससे भी लेस वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, छोटा आवेश है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आवेश हमारे पास में नहीं हो सकता, कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा ओके। हाँ, इससे बड़ा अगर कोई भी आवेश है, जैसे 1.6 × 10⁻¹⁸ कूलम, हाँ ये आवेश हो सकता है हमारे पास में, बट इससे छोटा आवेश नहीं होगा। क्लियर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें और मैंने आपको बताई थी, जैसे कोई पूछ ले कि भाई जो प्रोटॉन होता है ए पॉजिटिव, उसके पास आवेश कितना होता है, तो प्लस होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। न्यूट्रॉन के पास कितना होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नाम की चीज नहीं होती है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताई थी जो आवेश होता है उसकी जो इकाई होती है, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। फिर मैंने आपको बताया था सीजीएस सिस्टम के अंदर भी बताया था जो कूलम का जो मात्रक है वो बताया था आपको स्टेट कूलम, क्या बताया था, स्टेट कूलम ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी ये वीडियो जो हमारे चैनल्स पे अपलोड हो रही है, ये आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर और आपके पास में भेज सकें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप इसको जरूर बताइए, और हमारा जो चैनल है श्री ज्ञान के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम आप तक और ज्यादा वीडियो पहुंचा सकें आपके पास में ओके। थैंक यू।